हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल कविता। और आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ मूंग दाल खस्ता कचौरी, वो बिल्कुल मार्केट जैसी। लॉकडाउन में मार्केट बंद है और अभी आपको बाजार में उपलब्ध नहीं हो सकती। आप इसे घर पे बनाएं और सबको खिलाएं। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो तीन चीजें करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी कचौरी कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कचौरी बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा तैयार करेंगे। आटे के लिए चाहिए मैदा और अजवाइन। अजवाइन को इसमें डाल लें और नमक हमारा, और मोयन के लिए घी। इन सभी चीज़ों को डाल के आप इनको अच्छे से मिला लें। इस तरह से आपको आटा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेंगे। हमारा आटा लग चुका है, इतना सॉफ्ट आटा आपको लगाना है। देखिए, अब इसको एक कपड़े से ढककर हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम हमारी स्टिफिंग की तरफ चलते हैं। और उसके लिए चाहिए हमें बेसन, दाल, मूंग की दाल जो रात में मैंने भिगो के रखी थी, काली मिर्च पाउडर, नमक और हमारे ये जो सौंफ है मैंने इसको कूट लिया है, ये हमारा अमचूर पाउडर, गरम मसाला और नमक। काला मैंने नमक लिया है यहाँ पे। ये हमारा साबुत धनिया, इसको मैंने दरदरा कूट लिया है। और हमारा मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च को भी यहाँ दरदरा कूटा हुआ है। हम हमारे स्टफिंग के लिए चलते हैं। इसके लिए मैंने जो दाल रात को भिगो के रखी थी उसको मिक्सर में डाल लेंगे और इसको एक सेकंड के लिए चलाएंगे। इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा रखना है इसको। देखिए इस तरह से। और अब हमारा पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज़ किया है। इसमें डालेंगे हमारे सौंफ जो दरदरी कूटी हुई थी, दरदरा कूटा हुआ धनिया। इसके बाद हम इसमें, इनको पकने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा बेसन और इनको अच्छे से भून लेंगे। बेसन को ब्राउन होने तक भूनना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हमारा हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारी दाल हमने मिक्सचर में पीस ली थी। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और हल्की आंच पे थोड़ी देर तक पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा अमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काला नमक और स्वादानुसार सफ़ेद नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे अब। और इनको मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप जब भी स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करें तो कभी भी गर्म मसाले को काम में ना लें, उसको पहले ठंडा होने दें, उसके बाद ही उसको काम में लें, क्योंकि गर्म से आपके हाथ भी जल जाएंगे जब हम जो हमारी कचौरी के लिए मसाला जो तैयार करेंगे तब। अब हमारी जो हमने मैदा रखा था उसकी लोइया बना लेंगे कचौरी के लिए। इस तरह से लोइया आपको इसी शेप की बनानी है और इसको थोड़ी देर ढक कर रख देंगे। ये हमारी स्टफिंग की हम तैयार कर रहे हैं। इस तरह से आपको आकार देना है, इनको गोल इस तरह से बनाने हैं।
ताकि जब आप तैयार करें कचौरिया तो उसको भरने में आसानी हो। अब हमारी एक लोई लेंगे और उसको इस तरह से बीच से ना करें, इसको आपको साइडों से किनारों से इसको करना है, क्योंकि अगर आप बीच से करेंगे तो ये आपकी कचौरी जो है वो जब आप तलेंगे तो उसे फटने का डर रहेगा। इस तरह से साइडों से आप करें और जो हमारा जो हमने तैयार किया था उसको बीच में रखें और इसको इस तरह से करते हुए जो एक्स्ट्रा हमारा जो मैं आटा निकले उसको तोड़कर अलग कर दें और इसको दबा दें, प्रेस करें और इस तरह से आपको तैयार करना है। मैं एक और बनाकर दिखा देती हूँ आप सभी को आपके सामने। चारों तरफ से इस तरह कर लें और इकट्ठा करके उसको जो एक्स्ट्रा आटा जो निकले उसको तोड़कर बाहर निकाल दें, क्योंकि फिर ये ज़्यादा मोटा रह जाता है यहाँ से। अगर आप दबाकर नहीं करना चाहते तो हाथों से भी वैसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप इसको। बस जो हमारा जो आटा आप लगाएं वो थोड़ा सॉफ्ट ही रखें। देखिए हमारे तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम हमारा तेल गरम करेंगे और तेल को आप हमेशा चेक करें कि वो ना ज़्यादा गरम हो और ना ही ठंडा हो। यहाँ पर हमारा तेल मीडियम गरम हो चुका है, हमेशा तेल को मीडियम रखें कचौरियों के लिए। और अब मैं इसमें देखिए कचौरियाँ छोड़ दूँगी, हमारे जो बनाई थी मैंने स्टफिंग की थी जिनकी। हमारा ऑयल यहाँ पे मीडियम गरम हो चुका है, हम इसमें एक एक करके जो हमारी कचौरियाँ हमने तैयार की थी उनको डाल दूँगी। और फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखें, क्योंकि जब आप फ्लेम को तेज करेंगे तो आपकी कचौरियाँ फटने का डर रहेगा। मैंने यहाँ पर 5 कचौरियों को एक साथ डाला है और अब मैं इन्हें डीप फ्राई होने दूंगी। आप देख सकते हैं आपको इसी तरह से करना है। हमारी कचौरियों में थोड़ी फुलावट आ चुकी है, देखिए हल्की हल्की फुलावट यहाँ इनमें आई है। अभी प्रॉपर तरीके से ये अभी नहीं बनी है हमारे, देखिए अब देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं यहाँ पर कचौरियाँ। इनको हम थोड़ा और ब्राउन करेंगे, अभी इनमें थोड़ी कच्ची हैं, ये अभी प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुई हैं। हमारी फ्लेम अभी भी मीडियम ही है। देखिए अब हमारी कचौरियाँ और थोड़ी डार्क ब्राउन हो चुकी हैं, यहाँ पर गोल्डन कलर आ चुका है हमारी कचौरियों का। और हमारी कचौरियाँ देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी कचौरियाँ यहाँ पर हमारी बनी हैं। आप घर पर सभी को सरप्राइज़ दें, कितना प्यारा कलर निकल के आया है, सभी को खिलाएं घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।